आरक्षण को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए राजपूत कर्णी सेना के लोगों द्वारा इंदौर में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने होने वाले उपचुनाव की पूर्व अपनी बात रखी। राष्ट्रपति राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर और जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया एवं गोपाल सिंह द्वारा कहा गया कि आरक्षण को लेकर देश की सरकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए विरोध करने का अधिकार भी हमसे छीन रही है। उन्होंने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि पहले भी सरकार ने एससी एसटी एक्ट को लेकर सामान्य व पिछड़ा वर्ग को प्रताड़ित किया गया और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लेकर देश में जातिगत गंध कराने की कोशिश की गई। इस दौरान करणी सेना के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह आगामी समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विधानसभा चुनाव में उनको बताएंगे और उनको जरूरत लगी कि कोई सुनो और उनको हमारा प्रत्याशी उतारना है तो हम उनकी भी तैयारी करके हम प्रत्याशी उतारें। उनका रूप क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, जिस तरह से करने से ना जरूरत पड़ती वही रूप रहेगा। आरक्षण जो है, जो जातिगत आरक्षण देश में चल रहा है, उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद न तो सुप्रीम कोर्ट न हाईकोर्ट के कोई डिसीजन इसके ऊपर ना सकते। उपचुनाव में करणी सेना मुख्य भूमिका में रहेगी और मालवांचल की बात करें तो अपने सावेर और कुछ सीटें हमारी ऐसी हैं जहां बहुत मात्रा में है और पिछले चुनाव में भी हमारा हस्तक्षेप बड़ा था। इस बार किसी भी इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।